Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Since the Ayodhya verdict is out and the disputed land has gone to the Hindus for the construction of a temple, a long-drawn issue of this city stands resolved. So what next? What are the people of Ayodhya demanding next? We are at Saryu Ghat this morning speaking to a lot of locals, shopkeepers, vendors to know what they expect of Prime Minister Modi next. Let's speak to a flower vendor who has been selling flowers here for the last 9 years. Sir, नया मुद्दा ये होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, नौकरी और साफ सफाई, यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था और सब हो जाए, अच्छी बात है। और क्या, यही सब है। तो अभी मंदिर का इतना बड़ा इशू था और वो रिजॉल्व हो गया है, सब लोग चाहते थे मंदिर बन जाए, तो सबसे बड़ा अब नेक्स्ट जो है वो आपको क्या लगता है कि चीज़ जो सरकार को ध्यान देना चाहिए वो कौन सी होनी? ध्यान ही पढ़ाई लिखाई नौकरी ध्यान दे और सफाई ध्यान दे और टॉयलेट ध्यान दे और क्या, बस यही सब है, और कुछ है नहीं यहाँ पर, यही है। सफाई के बारे में थोड़ा बताइए, आप बता रहे थे यही सब राम पेड़ी साफ हो जाई चाहिए, गंदगी जो यहाँ पर लेटरिन की व्यवस्था नहीं है और सब म्यालारू जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, सफाई की व्यवस्था हो जाए और सब कुछ हो जाए, बस सब ठीक ठाक है। नदी बढ़िया, राम पेड़ी भी बढ़िया बन गई, वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बस यही सब, स्कूल और सफाई लो, टॉयलेट वॉयलेट सब चाहिए बस। रोज़गार के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ कि रोज़गार किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और क्या डिमांड है यूथ? रोज़गार यही सब कि जितने लोग हैं, लोग ठेले लगाते हैं रोड पे, उनको सबको रोज़गार देना चाहिए, बेचे अपन दुकान करे, कोई हटाए परेशान मत करे, जैसे हम सब है मेले में हटा देते हैं मुझे सब लोग, यही सब है मेले लोग में, हमसे दुकान कहीं स्थान दे दे लगाने के लिए, हमसे कहीं दो पैसा कमाए, लेकिन यहाँ पर मेले में भगा देते हैं, यहाँ पर आगे जाओ लगाओ, वहाँ पर जाओ लगाओ, वहाँ पर करो, तो यही सब रोज़गार, यही सब चाहिए गरीब लोग को, यही सब चाहिए बस। मैम यहाँ साफ़ सफाई, गंदगी हो जाती है मेले में, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, बस यही सब दिक्कत है, रोज़गार की भी दिक्कत है। किस तरह के रोज़गार की कमी है? मैम एक तो पहली बात, यहाँ जो अस्पताल है 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, स्कूल भी बहुत तो आगे है, बस यही सब। और टॉयलेट के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह की व्यवस्था? टॉयलेट के बारे में तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए एक भी टॉयलेट नहीं। अब पुलिस वाले को भी जाना पड़ता है तो चौराहे पे जाना पड़ता है, उनको भी दिक्कत हो रही है, यहाँ के स्थानीय ये जो आते हैं मेला वाले उनको भी दिक्कत होती है, बाथरूम लाइटिंग सब वही मैदान में। और घरों में टॉयलेट्स हैं? जी मैम जी। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, स्थानीय आदमी को नहीं दिक्कत है, लेकिन जो मेला वाले आते हैं वो गंदगी कर देते हैं, बस यही सब दिक्कत, टॉयलेट एक भी नहीं है यहाँ पे। ठेले वाले को जब मेले आते हैं तभी भगाए जाते हैं, इधर उधर से भगाना पड़ भगा देते हैं, यही सब दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरियां आपके बच्चों के लिए, हाँ, यंगस्टर्स हैं उनके लिए? हाँ, बच्चों को मिल जाए सरकारी वो भी अच्छी बात है। स्कूल बराबर है यहाँ? हाँ, पे अस्पताल बराबर है? हाँ, स्कूल है अस्पताल है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सफाई के बारे में? हाँ, सफाई है, सफाई होना चाहिए, कूड़ा करकट इधर उधर रहता वो भी सही होना चाहिए। सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ शांति माहौल बनाना चाहिए। साफ सफाई तो हो रही है मगर ज़्यादातर नहीं हो रही है। जो बाहरी आदमी यात्री आते हैं इनको सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं मिल रही रहने के लिए। जो यात्री लोग मैडम आते हैं वो पूरी उधर गंदे, उधर जाने का मन नहीं कर रहा है, गंध आ रही है अजीब सी, जैसे भी उधर कोई जाए तो बीमार हो जाए। तो यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा सरकार दे। अभी यहाँ नगर निगम है, यहाँ व्यवस्था नहीं है उतनी, मतलब जो है कि यह छोटे छोटे राम पेड़ी के ऊपर जो है कि गंदगी हो जाती है, यहाँ जो है कि बाहर बैठ जाते हैं और जो अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको जो है कि नुकसानदायक है ये सब, लाइटिंग कर लेते हैं उसके बाद में बीमार हो जाते हैं, यहाँ मच्छर फैल जाते हैं। अयोध्या के लोगों को क्या लगता है कि मंदिर के बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या है? कारोबार सही होना चाहिए और क्या, काम चले वो सबके लिए, कोई भी हो उसमें। अभी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोगों ने बताया कि सफाई का एक मुद्दा है वो होना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत है लेकिन हो रहा, सफाई वफाई सही हो रहा है। मंदिर बनने का फिर इसके बाद लोग अपने आप आएंगे, यहाँ भीड़ होगी, कारोबार सबका चलेगा इसमें। अयोध्या नगरी है, बाबा बैरागियों का एरिया, यहाँ 100-200 आदमी हमेशा वैसे हमेशा हर स्थान में रहता है, तो कूड़ा कोई इतना सेफ्टी नहीं रख पाता, मतलब उसको थैले में रखे, हर आदमी चाहता खाए बहाएँ उसी को सब रखते हैं, इसलिए कूड़ा रहता है और ऐसी कोई बात नहीं है।
साफ सफाई में जितने आदमी यहाँ काफी लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता कार्य भी कर रहे हैं। पूजनीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जिस तरीके मंदिर का निर्माण करवाए हैं, जिस तरीके मंदिर का फैसला करवाए हैं, उसी तरीके से अयोध्या जन्मभूमि भगवान की नगरी में सफाई का विशेष ध्यान देते हुए थोड़ा कृपा करें। अरे हम लोग का यही चाहिए कि धंधा मिले, गरीब आदमी ये सन्नाटा हो जाता है तो हम लोग कमाने खाने नहीं मिलते हैं, गरीब कहाँ जाएं हैं, इसीलिए यही सोचते हैं कि कम से कम हम लोग का कुछ धंधा बढ़े। क्या बोलते इका इतना राम पड़ी है, एक लाइटिंग नहीं है, जहाँ पावे तहें गंदगी हो जाता है, यही के चलते कम से कम शौचालय चाहिए, सफाई चाहिए। The locals of Ayodhya have been telling us that after the construction of Ram Mandir, there are more pressing issues that the government should now focus on. One, they say, is sanitation, building of more toilets and infrastructure, and developing the economy by giving more employment. This is what the locals now want the government to concentrate on. This is Ananya Bhardwaj with Nikhil from Ayodhya for The Print.